आज हम पढ़ते हैं गैस का दाब। गैस के दाब के साथ साथ हम आज पढ़ेंगे अणुगति सिद्धांत के आधार पर ताप की अवधारणा एवं उसकी गतिज ऊर्जा का अध्ययन और बायल और चार्ल्स के नियम का निगमन। तो सबसे पहले हम देखते हैं गैस का दाब। गैस वे पदार्थ जिनके अणु क्या होते हैं, बहुत अधिक दूर दूर होते हैं। तो जब हम इस गैस को किसी भी बंद बर्तन में रखते हैं, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक बंद बर्तन है। हमें मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक बंद बर्तन है। अब इस बंद बर्तन में ये y एक्सिस हो गया, सॉरी ये z एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस है। तो यहाँ पर दो फलक होंगे, ये होगा फलक b और ये होगा फलक a। देखते हैं कि ये हमारा क्या है, खोखला बर्तन है। इस बर्तन के अंदर जब हम किसी गैस को बंद करके रखते हैं, तो जैसे ही हम किसी गैस को किसी बर्तन के अंदर बंद करके रखते हैं, तो वो जो गैस है वो उस बर्तन पर एक दाब आरोपित करता है। मतलब उसके जो दीवारें हैं उन पर वो एक दबाव डालेगा। क्यों? क्योंकि गैस के जो अणु हैं वो हमेशा प्रसार या विसरण की स्थिति में रहता है, और जब ये विसरण की स्थिति में, मतलब लगातार वो गति की अवस्था में होंगे, तो लगातार गति की अवस्था में वो इस बंद बर्तन के दीवारों से टकराएंगे, और टकराने के कारण इस टक्कर से उनके दोनों दीवारों पर, बर्तन के जो दीवार होंगे उस पर वो एक दाब आरोपित करेंगे, और इसी दाब के कारण यहाँ पर बल कार्य करता है। कोई भी कण जब किसी बर्तन की दीवार पर अपना दाब आरोपित करता है, उस समय यहाँ पर लागू होता है संवेग संरक्षण का नियम। अब संवेग संरक्षण का नियम क्या है? संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार उतना जितना बल वो अणु इस बर्तन की दीवार पर आरोपित करेगा, उतना ही बल वो दीवार भी उस बर्तन पर लगाता है। तो जैसे ही कोई गैस का जो अणु है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यहाँ पर कार्य कर रहा है, तो जब संवेग संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर वो कार्य करेगा और कोई जो कण है वो गति करते हुए मान लो फलक ए पर टकराया, तो फलक ए या दीवार ए भी उस कण को उतना ही बल आरोपित करेगा। अब यहाँ पर हम ये मानते हैं कि हमारे पास एक घनाकार बर्तन है, घनाकार खोखला बर्तन है, और इस खोखले बर्तन के प्रत्येक कोर की लंबाई कितना है, L लेते हैं। हमें माने कि हमारे पास एक खोखला बर्तन है जिसके अंदर हमने गैस भर के रखा है, उसके प्रत्येक कोर की लंबाई कितना है, L लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही संवेग संरक्षण का नियम लागू होगा, उसी प्रकार यहाँ लागू होता है न्यूटन के गति का नियम। संवेग संरक्षण के अनुसार कोई भी कण जिस वेग से या जिस बल से इस फलक पर टकराएगा, उतना ही बल ये फलक भी उस पर आरोपित करता है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होगा कि न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार संवेग संरक्षण के द्वारा लगाया गया जो बल है वो दीवार द्वारा आरोपित बल के बराबर होगा। मतलब जितना बल कण इस दीवार पर लगाएगा, उतना ही बल ये दीवार उस कण पर भी आरोपित करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस खोखले घनाकार जो हमने बर्तन लिया, उसके प्रत्येक कोर की लंबाई L है। अब प्रत्येक कोर की लंबाई L इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये बर्तन किस आकार का है, घन के आकार का, और घन के प्रत्येक कोर की लंबाई हमेशा बराबर होती है। ठीक, अब यहाँ पर हम लेते हैं, इस बर्तन में हम ये मानते हैं कि गैस क्या है, आदर्श है। अब आदर्श गैस यदि यहाँ पर है, तो आदर्श गैस में प्रत्येक अणु का द्रव्यमान, आदर्श गैस के प्रत्येक अणु का
द्रव्यमान बराबर m। हमने ये लिया कि यहाँ जो हमने गैस भरा है वो क्या है, एक आइडेंटियल गैस, आदर्श गैस है। उस आदर्श गैस के प्रत्येक अणु का द्रव्यमान कितना है, m है। अब यहाँ पर देखिए कि कोई कण, क्योंकि कण क्या है, इस बॉक्स के अंदर है, इस बर्तन के अंदर है, तो कोई कण जो P है वो इन तीनों अक्षों U, V और W, इन तीनों अक्षों के परितः या इन तीनों अक्षों के समांतर C वेग से P के दिशा में गति करता है। यहाँ पर ये X, ये अक्ष है U अक्ष, यह अक्ष है V और यह है W। इन तीनों अक्ष के समानांतर ये कण जो है P, वो P के दिशा में, इस दिशा में C वेग से गति करता है। तो इस वेग के तीन घटक होंगे, इस वेग के तीन घटक होंगे, एक होगा U, दूसरा होगा V और तीसरा होगा W। यहाँ पर इस वेग के तीन घटक हैं U, V और W, जो कि X, Y एंड Z इन तीन अक्ष के समांतर है। देखो यहाँ पर क्या है, U अक्ष जो है, U अक्ष X अक्ष के समांतर है, V अक्ष जो है वो Y अक्ष के समांतर है, और हमारा जो W अक्ष है वो है Z अक्ष के समांतर है। तो यहाँ पर जो हमने तीन अक्ष लिया U, V और W, वो तीन अक्ष X, Y और Z इन तीनों के समांतर है। इसलिए वेग C स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W का स्क्वायर। इसको हम दे देते हैं समीकरण एक, क्या हो जाएगा, C स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो फलक A है और ये फलक B है, फलक A और फलक B दोनों इस X अक्ष के क्या है, लंबवत है। ये हमारा X अक्ष है, इसके लंबवत है A, ये A दीवार और ये B दीवार, मतलब दोनों फलक A और B वो X अक्ष के क्या होंगे, लंबवत होंगे। तो लिखेंगे हम, माना A व B फलक X अक्ष के लंबवत होगा। यहाँ पर A और B जो फलक है वो क्या है, X अक्ष के लंबवत है। अब यदि अणु फलक A पर, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि कोई अणु यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ गैस है, गैस में बहुत सारे अणु होंगे, तो ये जो गैस के जो अणु होंगे, अब यहाँ पर जो अणु है वो अणु सबसे पहले गति करता हुआ कहाँ जाएगा, फलक A पर जाएगा। जैसे ही वो फलक A पर पहुँचेगा, फलक A से टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा, वो वापस होगा, क्योंकि हमने अणुगति के सिद्धांत में ये पढ़ा है कि जो बर्तन की दीवार में जो अणु टकराते हैं, तो वो अणु जब बर्तन की दीवार में जब वो अणु टकराते हैं, तो अणु जो है टकराने के बाद क्या होंगे, तुरंत वापस होंगे। क्यों वापस होंगे, क्योंकि उस जब वो अणु टकराएंगे बर्तन की दीवार पे, तो बर्तन की दीवार में टकराने के बाद उनको एक संवेग प्राप्त होगा और वो उस संवेग से वापस होंगे। लेकिन यहाँ पर हमेशा उस अणु की जो गति होगी वो एक सरल रेखी गति होती, मतलब वो सीधा टकराएंगे, टकराने के बाद पुनः वो क्या होगा, उसी सरल रेखा से वापस आते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जब कोई अणु U वेग से गति करता हुआ, क्योंकि उस कोई भी अणु का हम प्रारंभिक वेग लेंगे, तो वो U वेग से गति करता हुआ जब कहाँ टकराएगा, फलक A पर टकराएगा। तो जब जैसे ही फलक A पर टकराएगा, तो अपना संवेग फलक A को वो क्या कर देगा, स्थानांतरित कर देगा। फलक A को अपना संवेग दिया, तो इस कारण हम यहाँ पर होगा
टक्कर के पहले का संवेग, टक्कर के पहले का संवेग बराबर एम यू। अब यहाँ पर हम जानते हैं क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, और हम अणु का वेग क्या मान रहे हैं, u है, और u इस द्रव्यमान के साथ गुणा होगा तो m इंटू यू, ये होगा टक्कर के पहले का संवेग। अब जैसे ही वो फलक ए पर टकराया, तो फलक ए पर टकराने के बाद, क्योंकि फलक ए पर टकराएगा, टकरा के वो रिवर्स हो रहा है, तो उसका वेग क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, इसलिए u की जगह हम टक्कर के बाद के संवेग में माइनस यू लेंगे। टक्कर के बाद का संवेग बराबर माइनस एम यू। अब यहाँ पर माइनस एम यू क्यों हुआ, क्योंकि टक्कर के बाद उसका संवेग ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक मतलब क्योंकि वो वापस आ रहा है, इसलिए संवेग क्या हो गया, माइनस हो गया। अब जब टक्कर के पहले का संवेग एम यू है और टक्कर के बाद का संवेग माइनस एम यू है, तो टक्कर के कारण क्या लिखेंगे हम, टक्कर के कारण अणु के संवेग में परिवर्तन, देखो टक्कर के पहले का संवेग कुछ और है, टक्कर के बाद का संवेग कुछ और है, तो टक्कर के बाद या टक्कर के कारण उसके संवेग में कितना परिवर्तन होगा, तो हम टक्कर के पहले का जो संवेग है एम यू, इसमें हम माइनस करेंगे टक्कर के बाद का संवेग, ये किए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एम यू, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो जाएगा एम यू, तो टक्कर के बाद का संवेग या दोनों टक्करों को मिलाकर कुल कितना संवेग हुआ, 2mu होता है। अब हम देखते हैं जब अणु यहाँ फलक ए पर आया और ए से फिर से वहाँ कहाँ गया, बी तक गया, तो कोई भी अणु जब वो फलक ए तक आ रहा है और ए से फिर बी तक जा रहा है, बी से फिर ए तक आ रहा है, मतलब एक फलक की दूरी कितना है, एल है, कोरों की लंबाई कितना है, एल है, और जब कोर की लंबाई एल है तो ए से बी तक जाने में एल दूरी तय किया और बी से ए तक आने में फिर से एल दूरी तय किया, मतलब टोटल उसने कितना डिस्टेंस तय किया, 2L दूरी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अणु का फलक ए से बी तक जाने व बी से ए तक आने में तय की गई दूरी, यहाँ पर अणु जो है वो फलक ए से बी तक आया, मतलब वो एल दूरी तय किया, फिर फलक बी से फिर ए तक गया, मतलब फिर वो एल दूरी तय किया, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगा, एल प्लस एल इज इक्वल टू हो जाएगा ये 2L, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितना हो गया, 2L। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी 2L है, तो 2L दूरी तय करने में लगा समय, 2L दूरी तय करने में लगा समय, तो देखो यहां पे हम जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी बटे चाल होगा तो जो अणु है वो 2L दूरी तय किया, तो इसका दूरी क्या हो जाएगा, 2L होगा, और चाल वो uvx से गति कर रहे हैं इसलिए उसका चाल क्या हो जाएगा, u होगा, तो 2L दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा, 2L अपॉन u। अब हम लेते हैं प्रति सेकेंड,
मतलब अणु जो है वो एक सेकेंड में कितने टक्कर करेगा, तो प्रति सेकेंड अणु के द्वारा दिया गया संवेग, अणु द्वारा दिया गया संवेग। यहाँ पर ये अणु के एक टक्कर के द्वारा तय किया गया समय है, तो अणु द्वारा दीवार को दिया गया संवेग क्या होगा, 2mu इंटू यू अपॉन 2l। ये जो है वो 12 दूरी तय करने में लगा समय है। अब यदि वो प्रति सेकेंड एक सेकेंड में लगातार वो अणु उस दीवार से टकरा रहा है, तो टकराने के बाद उसका संवेग बदलेगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल और ये आ जाएगा m u स्क्वायर अपॉन l। तो प्रति सेकेंड अणु द्वारा दिया गया समय क्या होगा, m u स्क्वायर अपॉन 2l होगा। हम जब प्रति सेकंड संवेग उसका हो गया m u स्क्वायर अपॉन l, प्रति सेकंड दीवार को दिया गया संवेग इतना है, तो उस पर आरोपित दाब, तो हम लिखेंगे दीवार पर आरोपित दाब, दीवार पर आरोपित दाब, तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। ये हो गया। अब हम देखते हैं बल, तो संवेग जितना संवेग वो लगाएगा वो उसका क्या होगा, बल होगा, और इस पूरे जो हम घनाकार बॉक्स लें इसका क्षेत्रफल, तो बल लेंगे हम m u स्क्वायर अपॉन l अपॉन। अब देखते हैं क्षेत्रफल, जब घन के प्रत्येक कोर की लंबाई क्या है, l है, जब घन के प्रत्येक कोर की लंबाई l है, तो हम जानते हैं कि घन का क्षेत्रफल होता है l स्क्वायर। घन का क्षेत्रफल कितना होगा, l स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर आरोपित दाब हो जाएगा m u स्क्वायर अपॉन l की घात 3, क्योंकि यहाँ l स्क्वायर है और ये l, दोनों का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा l की घात 3 होगा। ये हो गया दीवार पर आरोपित दाब। अब हम देखते हैं दीवार पर उतना दाब आरोपित करता है, कितने अणु हैं, एक अणु है। अब हम n अणु के लिए जब लेते हैं, हम मानते हैं कि अणुओं की संख्या कितनी है, n है, अणुओं की संख्या n है। अभी हमने जो दाब निकाला वो था एक अणु के लिए, अब अगर हम लेते हैं अणुओं की संख्या कितनी है, n है, तो सबसे पहले x अक्ष के लिए देखते हैं, तो x अक्ष का घटक यहाँ पर देखो, ये x अक्ष है और x अक्ष किसके समांतर है, u के समांतर है, इसलिए x अक्ष का घटक होगा u1 u2 डैश 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 un। x अक्ष का घटक क्या हो जाएगा, u1 u2 डैश 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 un होगा। अतः अब हम देखते हैं दाब, तो इस पर आरोपित दाब बराबर क्या होगा, px। अब x क्यों लेंगे, क्योंकि दाब p है और x उसका क्या है, अक्ष है, हमें x अक्ष के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा m u1 स्क्वायर अपॉन l क्यूब प्लस m u2 स्क्वायर अपॉन l क्यूब प्लस डैश 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 प्लस m un स्क्वायर अपॉन l क्यूब। ये हो गया 3। तो दाब हम किस अक्ष के लिए निकाले, x अक्ष के लिए, तो यहाँ पर m u n स्क्वायर अपॉन l क्यूब प्लस m u 2 स्क्वायर अपॉन l क्यूब प्लस m u n स्क्वायर अपॉन l क्यूब। अब हम लेते हैं y अक्ष के लिए, तो हो जाएगा p y। अब यहाँ पर देखो कि y अक्ष किसके घटक के समांतर है, v घटक के, इसलिए यहाँ पर वेग क्या होगा,
v होगा तो हो जाएगा m v1 स्क्वायर अपॉन l क्यूब प्लस m v2 स्क्वायर अपॉन l क्यूब प्लस डैश 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 प्लस m vn स्क्वायर अपॉन l क्यूब। ये हो गया। अब हम लास्ट हमारा घटक बचा है क्या, z अक्ष के सापेक्ष यदि हम दाब निकालते हैं तो ये जो घटक है वो w के सापेक्ष है या w के समांतर है, तो p z इज इक्वल टू हो जाएगा m w 1 स्क्वायर अपॉन l क्यूब प्लस m w 2 स्क्वायर अपॉन l क्यूब प्लस डैश 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 प्लस m wn स्क्वायर l क्यूब। तो ये x अक्ष, y अक्ष और ये z अक्ष तीरों के द्वारा आरोपित दाब होगा। आगे क्या हुआ इसके कि जब तीनों के द्वारा हम आरोपित दाब हमने निकाला, अब क्योंकि सभी दिशाओं में दाब तो समान होगा इसलिए px बराबर है py के और वो बराबर है किसके, pz के, और ये तीनों बराबर है किसके, दाब p के। तो p इज इक्वल टू हो जाएगा px प्लस py प्लस pz अपॉन होगा 3, क्योंकि यहाँ पर हम तीन घटक लिए px py pz, तो px प्लस py प्लस pz अपॉन हम लेंगे 3। अब p इज इक्वल टू हम px का वैल्यू रखेंगे m u1 स्क्वायर अपॉन l क्यूब प्लस m u2 स्क्वायर अपॉन l क्यूब प्लस डैश 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 प्लस m un स्क्वायर अपॉन l क्यूब। ये px घटक का वैल्यू हो गया। फिर m v1 स्क्वायर अपॉन l क्यूब प्लस m v2 स्क्वायर अपॉन l क्यूब प्लस डैश 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 प्लस m vn स्क्वायर अपॉन l क्यूब। ये हो गया v घटक का। अब हम रखते हैं z के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा m w1 का स्क्वायर अपॉन l क्यूब प्लस m W2 का स्क्वायर अपॉन l क्यूब प्लस डैश 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 प्लस m WN का स्क्वायर अपॉन l क्यूब। ये देख, यहाँ पर हमने तीनों घटक का वैल्यू रख दिया और इसके अपॉन में क्या है, 3 है। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पर तीनों में, यहाँ पर m अपॉन l क्यूब सभी में कॉमन दिख रहा है, तो हम तीनों से m अपॉन l क्यूब को क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो ये हो जाएगा m अपॉन l क्यूब। अब ये बटे में जो 3 है ये भी कॉमन निकल जाएगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं m अपॉन 3l क्यूब। तो यहाँ क्या बचा, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस डैश 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 un स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस vn का स्क्वायर एंड प्लस w1 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर प्लस डैश 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 wn का स्क्वायर। ये यहाँ पर आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, p इज इक्वल टू m अपॉन ये l 3 हो गया। l क्यूब का मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर क्या होता है, हम इसका आयतन v बोलेंगे। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसका ये क्या होता है, आयतन होता है। अब यहाँ पर u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 का स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 का स्क्वायर एंड प्लस डैश 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 un स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर प्लस wn का स्क्वायर।
हम ये ले लिए तीनों कोष्टक में जो प्लस में थी वैल्यू, उनको वन वाली वैल्यू के एक साथ, टू वाली और एन वाली वैल्यू को एक साथ कर लिया। अब देखिए, हम जानते हैं सी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर यू वन वी वन डब्ल्यू वन है, तो सी इसके सी की जगह हम क्या रखेंगे, सी वन रखेंगे। तो पी इक्वल टू यहाँ हो गया एम अपॉन थ्री वी सी वन का स्क्वायर प्लस सी टू का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस सी एन का स्क्वायर। ये हो गया। तो अब यहाँ पर P इक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन थ्री एम। अब देखो यहाँ पे n कण है, इसलिए हम इसको ले लिए n अणु और C का स्क्वायर। तो P इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री एम एन सी का स्क्वायर अपॉन ये V। तो ये होता है गैस का दाब। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ताप की अवधारणा। अणुगतिक का जो सिद्धांत हमने पढ़ा था, तो अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर, अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर ताप की अवधारणा। देखते हैं यहां पर, अभी हमने जो निकाला गैसों का दाब, गैसों का दाब क्या निकाला हमने कि P इज इक्वल टू होता है वन अपॉन थ्री एम एन सी स्क्वायर अपॉन वी। यह होता है गैसों का दाब। अब यहाँ पर जो m है, m प्रदर्शित करता है अणु भार को, किसी भी गैस के अणु को, अणु की संख्या को। यह हो गया अणु और अणु की संख्या। और यहाँ पर n हो जाएगा एक मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या। तो हम जानते हैं कि अणु भार कैपिटल M इज इक्वल टू होगा स्मॉल m इंटू एन। अणु भार कैपिटल M इज इक्वल टू होगा स्मॉल m इंटू एन होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम V को P से मल्टीप्लाई करेंगे, तो P V होगा इज इक्वल टू, अब mn के स्थान पर हम रख देते हैं कैपिटल M। तो ये हो जाएगा m c स्क्वायर अपॉन 3। ये हो गया, pv इज इक्वल टू m c स्क्वायर अपॉन 3 हो गया। इसको हमने दे दिया समीकरण एक, ये होगा, इसको दे दिया समीकरण दो। अब हम जानते हैं कि आदर्श गैस समीकरण क्या होता है। आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण होता है PV इज इक्वल टू आर टी। आदर्श गैस समीकरण से PV इज इक्वल टू हो जाता है आर टी। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3। देखो यहाँ पर समीकरण एक में भी PV का वैल्यू है जो कि m c स्क्वायर अपॉन 3 है, और यहाँ पर भी PV का वैल्यू है जो कि r t है। तो हम समीकरण 2 और समीकरण 3 को, इन दोनों समीकरण को, क्योंकि दोनों में PV की वैल्यू है, इसलिए दोनों को हम क्या करते हैं, बराबर लिख सकते हैं। समीकरण 2 और 3 से ये हो जाएगा आर टी, यहाँ पे लिख लेते हैं हम समीकरण 2 व समीकरण 3 से। समीकरण 2 और 3 से आर टी के बराबर हो जाएगा एम सी स्क्वायर अपॉन वी, सॉरी एम सी स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 3।
ठीक है। यहाँ पर आर टी बराबर क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 3। इसको हम दे देते हैं समीकरण 4। ये हो गया हमारा। अब 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम आर टी से, तो ये हो जाएगा 3 आर टी इज इक्वल टू एम सी का स्क्वायर, ठीक। अब चूंकि m इसके साथ मल्टीप्लाई के रूप में है, तो अगर हम इसको पक्षांतर करते हैं तो यहाँ डिवाइड के रूप में आएगा, तो c स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 आर टी अपॉन हो जाएगा ये m, 3 आर टी अपॉन हो गया m। अब क्योंकि कभी भी हम अगर वर्ग के चिन्हों को हटाएंगे तो यहाँ क्या लगेगा, वर्गमूल लगेगा, तो c की वैल्यू हो जाएगी वर्गमूल 3 आर टी अपॉन हो गया m, 3 आर टी इक्वल टू क्या होगा, m होगा। अब यहाँ पर हम ये लेते हैं कि 3 आर अपॉन m जो है, ये जो है 3 आर अपॉन m, इसको हम एक नियतांक, एक कांस्टेंट मान लेते हैं, हमें क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट, एक नियतांक मान लेते हैं। तो ये जब नियतांक होगा तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट टी होगा, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट टी होगा। अब देखो अगर c का मतलब ये होता है वर्ग माध्य मूल मान। अगर ये वर्ग माध्य मूल मान है और ये t क्या है, परम ताप है, तो हम ये कह सकते हैं कि गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के आधार पे जो हमारा वर्ग माध्य मूल मान है वो परम ताप के वर्गमूल के बराबर होता है। अब अगर हम इसको लिख सकते हैं, c अनुक्रमानुपाती है किसके, वर्गमूल टी के, मतलब हमारा जो वर्ग माध्य मूल मान है वो परम ताप के अनुक्रमानुपाती भी होता है, ठीक। अब इसी आधार पे हम आगे देखेंगे देखते हैं अणुगति सिद्धांत के आधार पे गैसों की गतिज ऊर्जा। देखिए अभी हमने निकाला ताप की अवधारणा, ताप में हमने क्या देखा कि जो वर्गमाध्य मूल मान था वो उसके ताप के अनुक्रमानुपाती, परम ताप के। अब यहाँ पर देखिए समीकरण जो 4 था, तो हम उसी समीकरण से लेते हैं, समीकरण 4 से फिर से हम यही समीकरण से उठाते हैं, समीकरण 4 से आर टी इज इक्वल टू हो जाएगा एम सी स्क्वायर अपॉन 3, ये होगा समीकरण 4 से। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आर टी बराबर क्या है, 1 अपॉन 3 एम सी स्क्वायर है। तो हम एक काम करते हैं, दोनों पक्ष में 2 का गुणा करेंगे और 2 से भाग देंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं दोनों पक्ष में 2 से गुणा एवं 2 से भाग देने पर। अब दोनों पक्ष में हम 2 से गुणा भी करेंगे और 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 2 आर टी इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 2 एम सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो 2 से 2 क्रॉस हो गया, तो यहाँ पर बच गया आर टी इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 2 एम सी का स्क्वायर। अब ये जो 2 अपॉन 3 है इसका हम साइड चेंज करते हैं, इसको हम पक्षांतर करते हैं, तो ये जब पक्षांतर होगा तो पलट जाएगा और ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 आर टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एम सी का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, 3 अपॉन 2 आर टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एम सी का स्क्वायर। अब देखते हैं, अब हम जानते हैं कि अणुभार, हम क्या जानते हैं कि अणुभार कैपिटल M इज इक्वल टू होता है स्मॉल m इंटू n, ये होता है। तो
यहाँ पर जो कैपिटल M है उसके जगह हम क्या रख देते हैं, स्मॉल m इंटू n रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 RT इज इक्वल टू क्या है, 1/2 m के स्थान पर रख दे स्मॉल m इंटू n c का स्क्वायर। ये हो गया, ये आया समझ में। अब देखते हैं आगे, यहाँ पर m n c स्क्वायर है, ठीक। तो अब ये n जो है, n अणुओं की संख्या है, इसलिए इस n को हम पक्षांतर कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 3/2 R/NT इज इक्वल टू 1/2 MC का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने अभी निकाला है ताप की अवधारणा। ताप की अवधारणा में हमने अभी क्या निकाला कि C प्रोपोर्शनल होता है वर्गमूल T के, मतलब C जो है वर्ग माध्य मूल मान जो है वो किसके अनुक्रमानुपाती है, ताप के अनुक्रमानुपाती है। इसलिए C स्क्वायर भी अनुक्रमानुपाती होगा किसके, T के। मतलब C क्या हो गया, एक नियतांक हो गया। उसी प्रकार जो अणु भार है M का मान वो भी क्या होगा, नियतांक। तो यहाँ पर C स्क्वायर भी एक नियतांक है और M भी एक नियतांक है, मतलब ये जो पूरा टर्म्स है वो क्या हो जाएगा, एक नियतांक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको पूरे को क्या मान लेंगे, एक नियतांक के बराबर। तो इसलिए जब ये दोनों ही एक नियतांक के बराबर हो जाएगा तो वैल्यू आएगा V, यहाँ पर 3/2 R/N है, तो ये जो वैल्यू है 3/2 R/N इसको हम लिख लेते हैं 3/2 R/N इंटू टी इज इक्वल टू, ये इन दोनों m अणु भार और c स्क्वायर क्या है, एक नियतांक है। तो इसको हम एक नियतांक के बराबर लेते हैं। निकालें 3/2 R/N × T ये होगा किसके बराबर, C स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो ये जो है इसको भी हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा C स्क्वायर इज इक्वल टू T, और C होता है आयतन V के बराबर, इसलिए ये हो जाएगा V स्क्वायर इज इक्वल टू T, मतलब V अनुक्रमानुपाती होगा किसके, V इज इक्वल टू T, तो V अनुक्रमानुपाती होगा किसके, T के। मतलब किसी भी गैस का जो आयतन है वो उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। अणुगति सिद्धांत के आधार पर बॉयल के नियम का निगमन। बॉयल के नियम का निगमन, तो बॉयल के नियम का निगमन क्या होगा, देखो यहाँ पे हम लेते हैं सबसे पहले जो गैसों का दाब है। गैस का दाब होता है P=1/3 mNC²/V, ये हमने निकाला था गैस का दाब। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे P × V से, इज इक्वल टू 1/3 mNC का स्क्वायर। ये हो गया। अब हम जानते हैं कि अणुभार m इज इक्वल टू होता है स्मॉल m इंटू n। तो यहाँ पर देखो जो स्मॉल m और जो n है इसके जगह हम क्या रख देंगे, कैपिटल M रखेंगे। तो ये हो जाएगा P
पी वी इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल एम सी का स्क्वायर। क्या होगा? पी वी इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल एम सी का स्क्वायर। तो हम जानते हैं ताप की अवधारणा से, ताप की अवधारणा से कि सी स्क्वायर प्रोपोर्शनल है किसके? टी के। सी स्क्वायर टी के अनुक्रमानुपाती है, मतलब यहाँ पर सी जो है, सी स्क्वायर क्या है? एक नियतांक है। और उसी प्रकार एम जो है, एम भी एक क्या है? नियतांक होगा। तो यहाँ पर जब सी स्क्वायर भी एक नियतांक है और एम भी एक नियतांक है, मतलब ये टोटल टर्म्स क्या हो गया? नियतांक होगा। तो पी वी इज इक्वल टू क्या होगा? एक नियतांक। पी वी इज इक्वल टू क्या हो गया? एक नियतांक होगा। अब यहाँ पर जब पी वी इज इक्वल टू एक नियतांक है, तो पी वी इज इक्वल टू हम ये ले लेते हैं कि जब ताप समान है, ताप को हम यदि स्थिर रखते हैं, तो दाब और उसका जो आयतन है वो एक नियतांक, एक कांस्टेंट राशि के बराबर होता है। और यही क्या है? बॉयल का नियम है। अगला हम देखते हैं चार्ल्स के नियम का निगमन। तो देखो यहाँ पे चार्ल्स के नियम का अगर हम निगमन देखते हैं, तो यहाँ पर सबसे स्टार्ट पहले क्या लेंगे हम? दाब। दाब जो है पी है, पी दाब पर, पी दाब गैसों का दाब होता है, तो गैस के दाब के लिए हमने एक व्यंजक निकाला था कि दाब पी बराबर होता है 1/3 एम एन सी का स्क्वायर अपॉन वी। ये क्या होगा? गैस का दाब। अब हम पी का मल्टीप्लाई कर देते हैं वी से, तो ये हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी का स्क्वायर। ये हो गया। अब हम जानते हैं कि एम एन इज इक्वल टू क्या होगा? कैपिटल एम मतलब स्मॉल एम और एन, स्मॉल एम और एन बराबर क्या होगा? कैपिटल एम मतलब उसके अणुभार के बराबर वो होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू 1/3। अब इस एम एन के स्थान पर हम क्या रख देंगे? उसका अणुभार, मतलब रख देंगे यहाँ पर कैपिटल एम सी का स्क्वायर। ये हुआ। अब यहाँ पर पी वी का वैल्यू कितना है? 1/3 कैपिटल एम सी स्क्वायर के इक्वल है। और हम जानते हैं कि सी स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है किसके? टी के। सी स्क्वायर अनुक्रमानुपाती है किसके? टी के अनुक्रमानुपाती है। और उसी प्रकार वी भी अनुक्रमानुपाती है किसके? टी के। इसलिए हम सी स्क्वायर को अनुक्रमानुपाती किसके मान सकते हैं? कि वो वी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जब सी स्क्वायर वी के अनुक्रमानुपाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्योंकि चार्ल्स का नियम हमेशा दाब के लिए निकलता है, तो स्थिर दाब पर आयतन और उसके ताप में परिवर्तन को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो सी स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो जाएगा वी के, मतलब जो आयतन है वो किसके अनुपात में चेंज होगा? उसके वर्गमूल के अनुपात में चेंज होगा। अतः हम लिख सकते हैं कि सी स्क्वायर का मान परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये था चार्ल्स के नियम का निगमन। तो आज हमने पढ़ा
कि गैसों का अणुभार क्या होता है या गैसों का दाब क्या होता है, बायल के नियम का निगमन क्या है, चार्ल्स के नियम का निगमन, और सबसे ताप की अवधारणा कि ताप जो है वो वर्ग माध्य मूल वेग के बराबर होता है। ठीक, आगे हम देखते हैं कल। धन्यवाद।